आपका स्वागत है इस नए मजेदार फ्रेश व्लॉग में। तो आज बहुत दिनों बाद हम ये व्लॉग कर रहे हैं, जा रहे हैं। खैर अभी तो गाड़ी में थोड़ा काम करा है, गंदगी भी बहुत हो गई थी और मिलते हैं सीधा आगे। बचे हुए हैं 12 और अभी हम लोग इटावा के अप्रॉक्स आ चुके हैं। 9 o'clock पे सारा काम हम कम्प्लीट करा के रात में 9 o'clock पे हम लोग निकले थे और अभी तो यहाँ पे रुके हुए हैं। कौन सा होटल नाम था? चलो मैं मेंशन कर दूँगा नीचे। और बाय द वे बना तो अच्छा है जो भी है, ये शायद आई थिंक फूड प्लाजा। कोई नहीं, मैं अभी मेंशन कर दूंगा देख के गूगल पे। और वो हमारी कार खड़ी है, बस 12 बजा हुआ है, खाने वाने के लिए रुके हैं और निकलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से। गाइस ये है पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। इधर वॉशरूम का सेक्शन है, इधर इसका खाली ओपन एरिया है और ये है फूड कोर्ट। हम खाएंगे राजमा चावल। हम लोग आगे रुक तो गए हैं बट कुछ मिल नहीं रहा इतने समय, 12 बजा हुआ है, रात में कुछ नहीं मिल रहा। पूरा रेस्टोरेंट खाली है, ये 24/7 काउंटर खुला है, उसका बंद है, उसका खुला है, उसका खुला है, उसका बंद है। अभी राजमा चावल बता गए थे वो, चावल नहीं है। चावल लेके आओ हमारे लिए, बस हम परेडा नहीं खाएंगे। हाँ
पहुंच चुके हैं, अभी बजा हुआ है 9:30 और अभी थोड़ी देर करते हैं रेस्ट यहीं पे, फ्रेश वेश होके चलते हैं वहीं बॉडी वहाँ पे देखते हैं क्या। सो गाइस हम लोग फ्रेश वेश होके अभी एक थोड़े छत पे आए हुए हैं। अरे यार बारिश ही हो रही है अभी तो, और ऐसा है कुछ व्यू। ओ भाई साहब अभी कहाँ था वो मंदिर, कहाँ गया ये, हम लोग किस साइड है? अच्छा वो है गली यार अपनी। हाँ। कार अपनी उधर खड़ी, मतलब कार अपनी कहाँ खड़ी है? उधर वाली छत पे आओ, उधर वाली छत पे, उधर भी है और क्या। ये मंदिर तो गाइस बारिश हो रही है, वो खड़ी अपनी कार, और यहीं पे एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है इसी के पीछे जस्ट यहाँ पे, और ये हमारी गली के बाहर का रास्ता, वो है मेन रोड ऋषिकेश वाली, पूरी ऐसे जाती है। और चलें, बारिश काफ़ी हो रही है। अच्छा हाँ पार्किंग बनी तो है इधर, यहाँ पे मंदिर के अंदर हम लोग इंटर हो चुके हैं और थोड़ी देर में अपने अपने स्थान पे पहुँच जाएंगे। गाइस क्या क्या सोच के आए थे यहाँ पे कि अच्छे से बढ़िया स्नान करेंगे और बढ़िया मजे करेंगे, रिलीज करेंगे, बट यहाँ पे दिखाते हैं पानी नहीं है इतना, पानी नहीं है इतना। पानी बहुत कम है लेकिन फिर भी हम आएंगे, आएंगे देखो। फाइनली गाइस नहाने के बाद अब अच्छा लग रहा है काफी, अब अच्छा लग रहा है काफी, और पानी बहुत कम था कुछ तब तो नहीं, लेकिन कुछ वीडियो जो शेयर करी पीछे जो आप लोगों ने देखी हैं उससे पानी खैर बहुत कम था, और एक्चुअली कम क्या था, इस समय थोड़ा टूरिस्ट प्लेस है ना ये, तो इस समय भीड़ हो रही ज़्यादा,
तो इधर बना हुआ डैम, इन्होंने पानी रोक रखा है एक्चुअली, मतलब ये है इनका। बाकी इधर भी पानी भाई बहुत ज़्यादा है, बस उधर नहाना अलाउड नहीं है, इधर नहाना अलाउड है। तो खैर जैसा भाई एक्सपीरियंस रहा, एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, अच्छा लगा बहुत नहा के। सो यही था, यही है पूरा हर की पौड़ी। सो हे गाइस, अभी खाना पीना खा के अब हो चुके हैं हम सब लोग रेडी जाने के लिए। Thank you.
लगी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हो जाना मुश्किल है, इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और यही है हर की पौड़ी, बाकी कल निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए, तो उसमें नए ब्लॉग के साथ, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आपसे।